What is going on guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to the video of Wobbly Live guys. And आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से Wobbly के अंदर. And guys आज हम लोग unlock करने वाले हैं एक नया और बहुत ही ज्यादा hyper realistic technology का एक equipment. और ये देखो भाई चॉप ने मेरे बगल में घर ले लिया भाई. अरे चॉप जल्दी उतर जा भाई, लेट हो रहा है अपने को. भाई आ रहा हूँ यार, एक तो ये बंदा भाई कूदते ही नॉक आउट हो जाता है ब्रो. ऑलराइट गाइस अब हम लोगों को बिल्कुल लेट नहीं होने वाला है. चॉप हमारे साथ ही रहता है, एकदम आजू बाजू वाला घर ले लिया है गाइस हम लोगों ने. एंड इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है ऑलरेडी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए. क्योंकि देखो यार हो सकता है गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को सिर्फ एडवेंचर देखना पसंद है Wobbly लाइफ के अंदर, तो इसलिए मैं आई एम नॉट श्योर गाइस कि मेरे को वो वीडियो डालनी चाहिए या फिर नहीं. अगर आप चाहते हो डालनी चाहिए तो फटाफट से लाइक मारो, और अगर नहीं तो फिर भाई क्या ही कर सकते, वीडियो डिलीट कर देंगे और क्या है ना. तो एनीवेज चलते हैं अभी इधर. और आपको तो पता ही है सारे के सारे Wobbly लाइफ के मिस्ट्रीज इसी आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है. एंड वन ऑफ देम इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ठीक है तो चलो फटाफट से चलते हैं गाइज. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर एक छोटू सा टेम्पल है, आप इस टेम्पल को देख रहे हो. तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम लोगों को आराम से नीचे उतरने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी. पहले तो मेरे को नीचे उतारने दो यार, इतनी सारी पेड़ है यहाँ पे, किसी से भी टकरा के फट जाएगा मेरा हेलीकॉप्टर. भाई आराम से उतारो, मेरे को मरना नहीं है ब्रो, अभी अभी अमीर बना हूं मैं. अरे ठीक है भाई, मरने वाला नहीं है तू. तू सोच रहा है तू किसके साथ चल रहा है? Frosty the Adventurous Traveler. ऑलराइट लेट्स गो. अब ज्यादा नौटंकी नहीं करते हैं, पहले चलते हैं और देखते हैं आज का मिशन क्या है. तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले तो मेरे को एक बंदे को ढूंढना है, वो भी एक एक्सप्लोरर है, एडवेंचरर है. ये रहा वो बंदा. ओके तो ये अब हम लोगों को एक मिशन देने वाला है जिसमें हम लोगों को स्क्रोल्स मिलेंगी. ठीक है इसका नाम वैसे स्टीव है और ये एक एक्सपेडिशन इंचार्ज है. ठीक है एक्सपेडिशन पे जाता है, एक्सप्लोर करता है नई नई जगहों को, केव्स को, आइलैंड्स को. एंड ये चारों चीजें हम लोगों को ढूंढ के लानी है. आई मीन चारों जैसे आइलैंड है और ऐसे ऐसे स्क्रोल्स मिलेंगे हम लोगों को. तो गाइज अब हम लोगों को आई थिंक ये चाबी देगा. यप ये चाबी दे भी रहा है. ओके इस चाबी को आप लोगों को रख लेना है और इससे क्या होगा ना कि आप एक्सप्लोर करके सारे के सारे गुफाओं को खोल पाओगे. और मेरे को ये चीज इसीलिए पता है क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो देख लिए, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीजें करनी है अभी हम लोगों को, इसमें बहुत टाइम लगेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो मैप में देख रहे हो चार चार आपको एक्स मार्किंग दिख रहे होंगे. तो इन एक्स मार्किंग्स को हम लोगों को जाना है, हर एक गुफा है उसके अंदर हम लोगों को स्क्रोल मिलेगा और स्क्रोल को लेके आना है. तो लेट्स गो. ऑलराइट तो गाइस ये रहा हमारा केव नंबर 1 और ये रहा हमारा स्क्रोल नंबर 1. तो गाइस मैं आपको पूरी की पूरी केव्स नहीं दिखाने वाला, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी. तो मैं कोशिश करूंगा कट कर करके सिर्फ वही सारे पार्ट्स डालूं जहां पर हम लोग स्क्रोल कलेक्ट कर रहे होंगे. और बाकी तुम देख सकते हो यार केव पूरा का पूरा पजल से भरा हुआ है, इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा. अगर आपको करना है तो आप वीडियोस इसके ऊपर देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएंगी. बट हां भाई मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में दिखाने वाला हूं. तो लेट्स गो. ऑलराइट गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड गुफा में. यहां पर से एक्चुअली हम लोग कुछ क्रिस्टल्स भी कलेक्ट करते हुए जा रहे हैं ताकि फ्यूचर में एक पेट भी अनलॉक कर सके. बट अभी हमारा मेन मोटो है सेकंड स्क्रोल. और ये देखो भाई सेकंड स्क्रोल भी मिल गया. ये केव्स काफी डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत इजी केव्स है यार, आपको उतना टाइम नहीं लगना चाहिए. जैसे इस वाले में तो हम लोगों को सिर्फ बॉम्ब्स गिराने थे इधर से उधर और लटक लटक के इस केव से बाहर निकलना था. तो अब ये केव भी हो गया. नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड वन. Alright, तो guys, look at this. This is our third cave. और ये एकदम भाई अंधेरी जगह पे था, बोट से आना पड़ा भाई यहाँ पर. भाई आराम से ये क्रिस्टल गिर जाएगा ब्रो पानी में. अरे ठीक है भाई. तो गाइज ये पर्पल कलर का क्रिस्टल भी मिला है हम लोगों को इस केव के अंदर. इस क्रिस्टल को भी अपन लोग म्यूजियम में डिपॉजिट करेंगे जैसे उस लाल वाले क्रिस्टल को किया था. और अभी एक और केव बाकी है, लेकिन हमारा थर्ड स्क्रोल भी हमें मिल चुका है. नाउ ऑल दैट रिमेन्स इज हमारा आखिरी वाला स्क्रोल. तो चलो चलो जल्दी चलते हैं भाई, अभी बहुत कुछ करना बाकी है. ऑलराइट फाइनली भाई बहुत दूर से आए हैं गाइज अपन लोग, लेकिन चौथा वाला स्क्रोल भी मिल चुका है. और गाइज यहाँ पर एक और क्रिस्टल भी है, इसको भी ले जाएंगे हम लोग क्रिस्टल पेट अनलॉक करने के लिए. बट अभी के लिए भाई फटाफट से स्क्रोल लेते हैं. एंड लुक एट दिस, चारों स्क्रोल मिल गए ना. अब इन चारों स्क्रोल को हमें जा करके उस एक्सप्लोरर वाले बंदे को देना है जो एक्सपेडिशन पे ले जाता है. एंड होपफुली वो हमारी रिक्वेस्ट पूरी करेगा, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ इन दोनों को म्यूजियम में डिपॉजिट करने. ऑलराइट तो गाइज हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं. काफी लंबा टाइम लग गया, पूरा का पूरा एक दिन निकल गया भाई Wobbly लाइफ का. आपको तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में दिखा दिया, बट हाँ लेट्स गो. अभी टाइम है इसको चारों के चारों स्क्रोल देने का. एंड अब आई थिंक ये दरवाजा खुल जाना चाहिए. दैट्स ऑल द स्क्रोल्स. ओके वेट, इफ आई रेड देम ऑल टुगेदर दे से दैट दिस डोर लीड्स टू द एंशिएंट आर्टिफैक्ट. बट हमें किसी टाइप की एक हैट चाहिए और उस हैट के लिए मेरे को फिर से कहीं और जाना पड़ेगा. यार कितने मिशन करवाएंगे ये. चलो भाई जल्दी सब हैट लेके आता हूं मैं. ऑलराइट गाइस लगता है ये नदी पार करनी पड़ेगी और इसमें आप लोग देख सकते हो बहुत सारे क्रोकोडाइल्स तैर रहे. तो इन क्रोकोडाइल्स के पीठ
पे आपको ऐसे कूदना है, उसके बाद आपको इस लकड़ी पे कूद करके फिर इस छोटू से आइलैंड पे जंप करके फिर लकड़ी पे कूद के फिर क्रोकोडाइल पे कूद के फिर लकड़ी पे कूद के और फिर यहाँ पहुंचना है। तो गाइज आई थिंक चॉप को टाइम लगने वाला है, बट हम लोग वेट करेंगे एंड जल्दी आ जाइयो भाई, देख अपने पास टाइम नहीं है ब्रो। ओके तो गाइज हम लोग को यहाँ पर से फटाफट से अपना जो कैप चाहिए था वो मिल चुका है, ठीक है। लेकिन चॉप अभी तक पहुंचा नहीं है, तो मैंने उसको बोल दिया है भाई जल्दी से आ जा, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखो यार टाइम जो है धीरे धीरे निकलता जा रहा है गाइज, एंड मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ, नहीं तो फिर से रात हो जाएगी। एंड ये क्या है भाई, लगता है हम लोगों को यहाँ पर वर्लपूल की सवारी करनी पड़ेगी। तो देख सकते हो पानी के अंदर एक बहुत बड़ा वर्लपूल आ चुका है, वर्लपूल यानी कि एक भवंडर छोटा सा, ठीक है। और इसमें हम लोगों को भाई ये बहुत टूटी फूटी सी बोट है, इसी पे तैर के उस तरह जाना पड़ेगा हम लोगों को। और गाइज वो देख रहे हो, वो रहा हमारा एग्जिट। तो वहां से निकल के मैं जा रहा हूँ इस कैब को लेके उस ट्रैवलर के पास या एक्सप्लोरर के पास, हाँ उसी के पास जा रहे हैं, और उसको ये कैब दे के फाइनली वी कैन एंटर इनसाइड द केव। तो चलो जल्दी से करते हैं भाई, क्योंकि काफी लंबा रास्ता हमारा इंतजार कर रहा है दोस्तों। ऑलराइट फाइनली पहुंच गए भैया, ये लो जल्दी लो कैप पकड़ो। ओके कैप मिली है इसको, स्क्रोल मिला है, कैप लगाया है और दरवाजा खुल गया, खुल जा सिम। ओके अब चलो इस जल्दी से इस कैट कैप को पहन लेते हैं भाई। ऑलराइट गाइस ये रही वो कैप और ये रहे वो पैंट्स जो हम लोगों को पहनने थे, एंड ये रहा हमारा रूम। एंड इसमें हमें कुछ आई थिंक पजल सॉल्व करना है, तो इस पजल के लिए जब हम लोग ऐसे लाइट मारते हैं ना, तो ये देखो भाई यहाँ पर ये पिलर चमकने लगता है, लेकिन हम लोगों को एक करेक्ट ऑर्डर में लाइट मारनी पड़ेगी, तभी जा करके चारों के चारों पिलर सही से लाइट डालेंगे एंड सामने का गेट खुलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इस हैट की जरूरत थी, क्योंकि इस हैट से आप लोग देख सकते हो लाइट निकलती है। वाह भाई चॉप तू भी दिमाग लगा रहा है। भाई क्या करूं, इतना लंबा क्वेस्ट लगाया भाई, एक घंटे से ऊपर हो गए करते करते। अरे क्या करूं यार, अब मेरे को भी तो करना पड़ेगा ना, हवर बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो सही डायरेक्शन से हम लोगों ने लाइट इसके ऊपर एमिट कर दी है, और अब आप लोग देख सकते हो भाई पूरा का पूरा दरवाजा खुल गया भाई, यहाँ पे कोई आया नहीं है गाइज लगता है सालों से, और ये पूरा का पूरा एलियन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इसको आप ऐसे नहीं पार कर पाओगे बिना एक अच्छे इक्विपमेंट के मदद के, और यहाँ पर भी हम लोगों को लाइट मारनी पड़ेगी, तब जा करके सामने का रास्ता प्रकट होगा हमारे सामने। भाई रुको मैं भी लाइट मारता हूँ ब्रो। अरे भाई ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा दोस्त। अरे शिट मैं आगे का रास्ता कैसे देखूं, मेरे को उधर लाइट मारनी पड़ेगी। राइट लाइट तो मार दी है, लेकिन रास्ता क्यों नहीं दिख रहा है। आई थिंक हम लोगों को राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, इधर इधर राइट का तो नहीं आया, लेफ्ट का आ गया गाइस। भाई रुको आपके तरफ का रास्ता मैं खोलता हूँ ब्रो। ऑलराइट जल्दी खोलो भाई, नहीं तो पता चला मेरे को तो टाइम लग जाएगा पहुंचने में। ओके मेरा रास्ता खुल गया है। चॉप तू इधर क्यों आ रहा है भाई, मैं उधर जा रहा हूँ, मेरे को जाने का ही नहीं है गाइस। अपन लोग उधर से निकलेंगे एंड आई थिंक जंप। ओह नहीं, अरे हर बड़ी में गड़बड़ी कर दी यार, शिट अब मरूंगा मैं गाइस और कुछ नहीं। ओके तो किसी तरीके से मैंने दोनों के दोनों पजल सॉल्व कर लिया, बस लास्ट वाला पार्ट बचा है एंड लेट्स गो। चलो 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 मेरा तो हो गया, चॉप अभी भी फंसा हुआ है गाइस, पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मैं निकल रहा हूं भाई, तुम आते रहना पीछे से। भाई साथ छोड़ दिया भाई, धोखा दिया आपने मेरे को। अरे धोखा नहीं दिया भाई, तू आना आराम से ब्रो, अपन लोग तब तक जाते हैं आगे। ओके तो गाइस यहां पर से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं उधर लाइट मारूंगा तो ये देखो ये वाला बढ़ गया ना। और गाइज ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स है जहां पे हमें लाइट मारना है, वो देखो सामने में एक स्पॉट है, ये मारा लाइट उसके ऊपर, अब अगली वाली पिलर आएगी इसके ऊपर कूदो। ओके तो गाइज ऐसे कर करके प्लेटफॉर्म से हम लोगों को ऊपर जाना है, एंड ये जो सोर्स होता है ना ये कहीं पर भी छुपा हो सकता है, ये देखो उधर छुपा हुआ है ना, ये मारा एक और लाइट बीम एंड अब तीसरे वाले पे जंप 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 जंप। ओके ओ भाई बहुत ज्यादा एडवेंचर हो रहा है भाई आज के लिए, मतलब आप लोगों को तो भाई लग रहा होगा कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बट गाइज बहुत टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में। चलो 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 चलो, चलो ये मारा एक और जंप। ओके अब भाई बस एक और प्लेटफॉर्म बचा है इसके बाद, होपफुली वो वाला भी सही से हो जाए, फिर क्या ही कहना है ना। चलो ओ लैंडिंग बढ़िया थी, लैंडिंग बढ़िया थी दोस्त, जो भी बोलो, अब बस किसी तरह ऊपर पहुंचा दो। लेको पहुंच गया मैं। क्या गाइस फाइनली हम लोगों को हवर बोर्ड मिलेगा, क्या मेरी मेहनत रंग लाई भाई, मेरे को जल्दी से फाइंड आउट करना है। चॉप तू भी आ जाइयो जल्दी, समझा। भाई मेरे को तो टाइम लगेगा, लेकिन आप जाके हवर बोर्ड ले लो ब्रो। ओके तो फाइनली हम लोगों को हवर बोर्ड मिल गया, इतना मेहनत किया मैंने, मास्टर द एंशिएंट बोर्ड एंड ले क्लेम टू योर रिवॉर्ड। अच्छा हवर बोर्ड रेस करनी पड़ेगी, तो गाइज ऐसे ये लोग फ्री में हवर
लीडरबोर्ड नहीं देने वाले आपको, आपको पूरी की पूरी एक रेस कंप्लीट करनी है। तो चलो भाई फटाफट से रेस करते हैं, आपको तो पता ही है रेस में हम लोग कितने प्रो हैं। और जंप तो मार लिया मैंने, बट ओ शिट बॉक्सेस चमगादड़, बहुत सारी चीजें हमारे रास्ते में हमारा इंतजार कर रही है, बट ये रोक नहीं पाएंगी दोस्तों। ओ ये क्या है, ये ऊपर नीचे क्या हो रहा है? अरे नहीं भैया ठुक गया मैं। अरे भाई आराम से जाना पड़ेगा गाइस, नहीं तो हमारा बंदा नीचे गिर गया तो पूरी रेस रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। भाई ध्यान देना, आपको टाइमर भी दिया है प्रो इन लोगों ने। अरे टाइमर भी, एक्चुअली में अगर टाइमर कंप्लीट होने के पहले आप लोगों ने रेस फिनिश नहीं की तो आई थिंक आपका जॉब फेल हो जाएगा, एंड अगर ऐसा हो गया गाइस तो आप लोगों को हवर बोर्ड भी नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहां से आई थिंक एक यू टर्न है एंड सीधा नीचे। तो गाइस मेरे को तो इतनी दिक्कत हो नहीं रही है, एंड क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी रेसेस कर रखी है वॉबली के अंदर, आई थिंक ये बहुत ज्यादा आसान है गाइस। आपको क्या लगता है देखने से? मेरे को तो इजी लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा होता है, थोड़ा वॉबल करता है ये हवर बोर्ड, लेकिन भाई देखो गेम का नाम वॉबली लाइफ है तो इट मेक सेंस। अगर चीजें वॉबल नहीं करेंगे तो तुम गेम का नाम वॉबली लाइफ कैसे रख सकते हो? भाई इसके कैरेक्टर्स तक हिलते डुलते रहते, खड़े नहीं रहते एक जगह, तो दिस मेक सेंस। और फिलहाल के लिए तो भाई अभी एकदम कांटेदार रास्ते से होकर के जाना पड़ रहा है। भाई मेरे को, अरे ये कहां फंस गया भाई, अजीबो गरीब जगहों पे फंस जाता हूं यार। भाई आराम से जाओ, अभी भी एक मिनट बाकी है ब्रो। अरे तू अपना देख, मेरे को छोड़ भाई, मेरे पे फोकस कर रहा है। बताओ गाइज इस बंदे का खुद नहीं कंप्लीट हुआ है अभी तक। ऑलराइट मेरे को दिख रहा है फिनिश लाइन, मजाक करो नहीं दिख रहा है मेरे को भाई, कहां पर है फिनिश लाइन, आई हैव नो आइडिया। ओके मेरे को एक पतला सा रास्ता दिख रहा है। ओ भाई जंप, ओ भाई अचानक से इतने बड़े बड़े जंप क्यों डाल रखे हैं लोगों ने? इमेजिन गाइज अगर अपन लोग जंप नहीं कर पाए सीधा नीचे जाएंगे, बट आई डोंट थिंक उतना डरने की बात है, ये हवर बोर्ड है तो हवर तो करेगी ही ना। और गाइज बहुत सारा पैसा है लेकिन पैसा उठाने का टाइम नहीं है, और ये रहा फिनिश लाइन। तो आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने फिनिश कर दिया है, और इसी के साथ जॉब कंप्लीटेड। ओके जल्दी से इन मकड़ी के जालों को हटाता हूँ और अपने हवर बोर्ड को अनलॉक करता हूँ। ओके तो गाइज हम लोगों को मिल चुका है अपना हवर बोर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगली वीडियो में हम लोग हवर बोर्ड के साथ और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लेकिन अभी के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल पे नो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमेशा की तरह स्टे फ्रॉस्टी।